वो जो स्टेडियम वाली कमेंट्री कार्पेट शॉट, मुझे वही हाँ। जो उनके जो एक पेटन अल्फाज होते थे ना, हाँ वर्चुअल बॉलर, हाँ वर्चुअल बॉलर भी होता था ना, and here comes a brown guy coming to Adnan Sidiqui from the pavilion, from the university end, from the university end. एक पवेलियन एंड होता था, एक यूनिवर्सिटी एंड होता था। उफ क्या यार, यार ये पीएसएल का क्या होगा जो मैचेस रह गए? यार देखो, जहां तक मेरी बात हुई थी उनसे तो वो कह रहे थे कि होगा, मुझे क्या पता क्या होगा यार। नहीं आप बताओ ना, ख्याल क्या है क्या होना चाहिए, कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, बहुत सारे सवाल। देखो अभी कोई अभी तक ये कोई भी जवाब नहीं है, और लॉकडाउन भी सुना है कि 15 दिन और वो भाई पड़ रहा है, और क्या है ना। चली गई रशीदा जमाली, क्या चीज? मैं कह रहा हूँ कि लॉकडाउन में मैंने सुना है कि 15 दिन और पड़ रहा है। अच्छा, शवार साहब आई लव यू, उफरान मलिक, उफरान मलिक। अदनान भाई प्रेडिक्शन करेंगे, बोल रहे हैं मोहम्मद शेख, प्रेडिक्शन करेंगे। देखो ये जो सितारा जो है ना, ये पश्चिम की ओर से निकला है, और ये जब तक उत्तर नहीं जाएगा तब तक मैं कुछ बता नहीं सकता तुमको। कन्यादान, इसके लिए तो हमारी महबूब को फोन करो, वो कहाँ है यार, वो तो गायब हो गए, वो तो इतने मैंने इतने देखा था टीवी पे, क्या कह रहे मोहम्मद साहब? कुछ नहीं, पता नहीं वो इस मतलब इन दिनों में नहीं देखा भाई। कयान है, लव यू बोथ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया का भी हम जिक्र कर रहे। एक मेरे दोस्त है, तुम शायद मिले हो कि नहीं मिले हो, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे, इस्लामाबाद में नासिर। क्यों नहीं मिला यार, उसके घर पे रहते थे। हाँ तो नासिर का जो नासिर का याद नहीं है, जब हम फिल्म छोड़ के भागे थे, हाँ तो हम वहीं पे जाके रुके थे। तो नासिर किस्सा भी सुनाते हैं अभी, फिल्म वाला वो भी सुनाते। तो नासिर मजे का किस्सा, हाँ नासिर की डेथ हो गई, और अब उनका भी इंतकाल हो गया है, जुगनू भाई का। अच्छा, तो चार पांच भाई थे ना? चार भाई थे, तो जो सबसे छोटा वाला था हीरो, नहीं एक तो बॉडी बिल्डर था वो, माशाल्लाह अभी तक हया था, जो हीरो था तो वो बड़ा जबरदस्त उस जमाने में प्रैंक करता था। तो तुमने जब ऑस्ट्रेलिया कहा ना, तो उस जमाने में एनालॉग फोन्स होते थे, तो वो ऑस्ट्रेलिया से एक प्रोमोटर बन के सारे सेलिब्रिटीज को फोन किया करता था, आई एम नॉट गोइंग टू नेम देम, और सबको उसने रिकॉर्ड किया हुआ था बेवकूफ बना के। और तो वो ऑस्ट्रेलिया से, हाय माय नेम इज विंस्टन डेविस एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तो वो जिस एक्सेंट में बात करता था, और उसने जो हरकतें की हुई थी, मैं हैरान था उसमें, उसने किनको किनको नहीं फोन किया था, और किसको किसको हायर नहीं कर लिया था शो कराने के लिए। अच्छा, तो हाँ बस वो मुझे याद आ गया। खैर वो तुम बताओ, मूवी वाला किस्सा बताओ भाई। मूवी वाला किस्सा ये था कि एक फिल्म ऑफर हुई मुझे और अदनान साहब को, तो इकट्ठे उस फिल्म के लिए हमें उन्होंने कहा कि आप लोग लाहौर आ जाए। तो मैंने अदनान से बोला क्या करना है, मैं तो फिल्म नहीं कर रहा भाई, वो पता नहीं कैसी है क्या है, और फिल्मों का माहौल उस जमाने में हमारे लिए नहीं, ऐसे ही था, मैं जाना नहीं चाह रहा था। नहीं नहीं मैंने कहा था कि मैं नहीं जाना चाहता, तुमने कहा अरे चलते हैं यार, नहीं होगा तो मना कर देंगे। तो मैंने कहा अच्छा इतना इजी है तो ठीक है चले जाते हैं। उन्होंने हमें टिकट भेज दी, हम चले गए। अब हमें एयरपोर्ट पे एक साहब लेने आया, वो हमें गंदा शेडी सा होटल था उसके बाहर ले गए, तो उन्होंने कहा यहाँ आप रुकेंगे? हमने कहा तुम्हारा दिमाग सही है भाई, यहाँ रुकेंगे? हाँ यहाँ यही है। यहाँ नहीं रुकेंगे, आप फला फला जगह में ले जाए। तो वो भी एक गेस्ट हाउस था, वो हमें पता था, हम वहाँ पहले रुक चुके थे अपने शोज वगैरह के लिए जाते थे। तो भाई मैं और अदनान चले गए, हमने कहा भाई कब मीटिंग होगी? उन्होंने कहा आज आप रेस्ट कर और कल जो है हम लोग आएंगे, आपको फिल्म की स्टोरी सुनाएंगे।
अच्छा वो उस दिन तो हम ऐसे ही खाते पीते रहे सारा दिन, कहीं इधर उधर घूमने चले गए। बहुत ज्यादा दोस्त भी नहीं थे उस वक्त लाहौर में, नए नए आए थे हम शोबिज में, तो वो दिन हमने गुजारा। दूसरे दिन सुबह उठ के बैठे हुए हम 10 बजे, वो आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं करते रहे। उसके बाद वो 3 बजे आए, और वो हमारे लिए एक पहला एक्सपीरियंस था कि फिल्म की स्टोरी को नरेट कैसे किया जाता है मुंह से साउंड इफेक्ट निकाल के। तो वो एक जो राइटर थे वो साथ आए, और पूरी टीम 4-5 लोग आए, और उन्होंने नरेट करना शुरू की फिल्म के। जनाब वो इधर से, वो फिल्म का शुरू ऐसे था, इधर से यूं हेलीकॉप्टर के अंदर जो है वो, नहीं जहाज के अंदर जहाज उड़ा रहा है वो लड़का हीरो जो है, वो जहाज उड़ाते हुए आ रहा है, और नीचे उसने देखा वो जो नीचे लड़की जो है बकरियां चरा रही। उसने कहा ओए होए होए, बड़ी खूबसूरत लड़की है ये। वो मतलब जहाज से उसने देख लिया कि लड़की खूबसूरत। तो उसने कहा कैसे क्या करूं। वो लड़का जहाज से अपना वॉलेट फेंकता है, उसमें उसकी तस्वीर होती है। नहीं 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 भूल गए। नीचे आता है वो सेस्ना जहाज वो उड़ा रहा है, वो नीचे जहाज लेकर आया, उसने जहाज अपना उल्टा किया है और मटके करने वॉलेट फेंका अपना। अच्छा मटके में फेंका, और वो फेंका वॉलेट, और वो लड़की उठाती है कहती है ओह बाबूजी का वॉलेट गिर गया। ऐसे ऊपर देखा उसमें एड्रेस भी था। अब हमें हंसी भी आ रही है, हम रोक भी रहे। अच्छा जनाब फिर वो लड़की जो सबसे है वो ज्यादा घर मुझे पहुंच हंसी मुझे क्यों आई थी, मुझे हंसी ये आई थी, तो वो उसमें जो जहाज जो उड़ा रहा होता है वो अदनान सिद्दीकी होता है, और जो बाबूजी का जो वॉलेट है वो बाबूजी की, जो बाबूजी कहती है वो जहाज की बहन बनी होती है, और जो अदनान का रोल उस वक्त भी शैवार वाला था। और तो आगे तो उसमें जो चीजें थी वो हम पूरी नहीं बता सकते जो वो उन्होंने बताई। कहता है, वो कहती है मैं बाबूजी का, तो बाबूजी का वॉलेट गांव से शहर देने के लिए भाई बहन दोनों आते हैं, याद है? ये पता नहीं मुझे, तो मेरा भी वो नेगेटिव याद है रोल सर, था, पता नहीं उसमें क्या दो मगर लोग थे। उसपे वो बताओ ना, जो मेरी गाड़ी जा रही हो तुम जंजीर से उसको रोकोगे? वो मुझे नहीं याद, मुझे वो याद है कि फिर उसके बाद वो हो गया, स्टोरी उन्होंने सुना दी, तो और भाई ये वो कहीं उसके बाद कहीं मरी की वादियों में ये बकरियां चरा रहे हैं, उधर से मेरी गाड़ी जा रही है, ये देख लेते हैं, ये मेरे पीछे भागते हैं, तो इनके हाथ में बकरियों की जो जंजीरें होती है उसको, उसकी एक लंबी चेन बनाते हैं और यू 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 करके घुमाते हैं उसको, और गाड़ी के बम्पर को वो जंजीर फंसा के और रोक लेते हैं गाड़ी को, और फिर एक हमारी फाइट होती है। ये था अच्छा उसके बाद वो दूसरे दिन हमें कहने लगे कि हम म्यूजिक सुनाते हैं आपको फिल्म का। अब हमें एक टोयोटा करोला गाड़ी थी, उसमें आगे दो लोग बैठे थे, एक पीछे की सीट पे, एक साइड पे एक भारी सा आदमी बैठा हुआ था, बीच में अदनान था, दूसरी विंडो की तरफ मैं था। उसने वो कैसेट होती थी, वो उसने टेप अंदर लगाई, और वो उस जमाने में एक इंडियन गाना होता था तुम मिले दिल के लिए और जीने को क्या चाहिए, तो उसकी वो पैरेडी थी तन तन जले, तो वो गाना शुरू हुआ। गा के सुनाओ ना, गा के सुनाओ। तो तंजले वो गाना जब शुरू, मंजले और अरे जीने को क्या, तो वो यही था क्या गाना। अच्छा अब चाहिए। मेरे जो हंसी निकली और मेरे आंसू ना रुके, अब अदनान बहुत ऑड पोजीशन में बैठा था, अदनान मेरे पेट में कोहनी मार रहा, बस कर, तो वो देख रहे हैं। अब मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मैंने शीशे से बाहर मुंह निकाल लिया ना, बिल्कुल आंसू ऐसे जा रहे थे हवा लग लग के। तो अदनान ये भी हंसी करती बहुत मुश्किल से, हमें बहुत हंसी आ रही थी, पता नहीं क्यों। खैर हम स्टूडियो पहुंचे, अब हमने ये दूसरा दिन है उनके साथ 2 दिन स्पेंड कर लिए उनके खर्चे पे, और जनाब उसके बाद हम वहां स्टूडियो में गए, अच्छा तो लोग फिल्म का नाम पूछ रहे हैं वो तो नहीं बता सकते यार, हाँ वो नहीं, वो पता मशहूर फिल्म थी वो, तो उसके बाद फिर मगर हमने, अच्छा मैंने जान के वो जाके देखी थी वो फिल्म, उसमें जो उन्होंने बताया तो कुछ नहीं था, सिर्फ नाम था उस फिल्म का और कुछ नहीं था। बाद में जाहिर है एक्टर्स वैक्टर्स ने चेंज करवाया होंगे सीन, बहुत ही अजीब था वो, देखा यानी होगा। तुम्हारे में इतनी पावर नहीं थी कि तुम चेंज करवा सकते थे? छोड़ो यार, इजाज़ नहीं है यार, फिल्म
हमने तो करनी नहीं थी। अच्छा अब जो असल चीज है वो बताएं, 2 दिन हमने गुजार लिए उनके खर्चे पे पूरा, सब इतना होटल का खर्चा, खाने का बिल सब करा दिया। दूसरे दिन अब हमने मना करना था, अब हम कैसे मना करते। तो अब वो आ गए पूरी टीम दोबारा से, हाँ जी फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें, ये कर लें। अब मैंने कहा यार क्या करें, मुझे मैंने अदनान से कहा भाई मैं तो पैसे इतने बोलूंगा इनको कि ये कहेंगे कि यार हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा पैसे, इसने कहा हाँ, मैं तो वो बहाना नहीं लगा सकता, मैं कुछ और लगाता हूँ। मैंने कहा भाई मैं इतने इतने पैसे लूंगा। तो उन्होंने कहा क्या हो गया आपको, भाई पहली फिल्म में तो लोग हमें देते हैं पैसे आने के लिए। मैंने कहा भाई हमें नहीं, हम इतने ही पैसे लूंगा मैं। वो बखैर मेरे से पैसों पे बहस में फंस गए वो पैसे। तो फ्रेंड आप फिल्म का नाम पूछ रहे हैं वो नहीं बता सकते यार, ये तो गलत बात हो जाएगी। मतलब वो भी हमारे जानने वाले हैं, दोस्त है, ये थोड़ी बताएंगे, बस उनको पता लग रहा होगा कि हम कौन सी फिल्म की बात कर रहे हैं अगर वो ये देखे। अच्छा अच्छा अदनान से देखी ने क्या बहाना लगाया कि अदनान साहब कहने लगे, उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी बहाना क्या लगा। तो कहने लगे यार वो मेरी मंगेतर जो है ना उन्होंने मना कर दिया। कहने लगे क्या बात कर रहे हैं भाई, मंगेतर आप घर पे बता के नहीं है उनका फिल्म की उसके लिए जा रहे। नहीं मैं बताया तो था लेकिन वो अभी फोन आया उनका फिल्म नहीं कर। अब हमें समझना है। अब फिर क्या हुआ कि वो यार ये क्या बात हुई, वो नाराज होना शुरू हो गया ना, यार आप लोग सही नहीं कर रहे हैं, आप 2 दिन से हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सुन रहे हैं स्टोरी गाना, स्टूडियो भी जा रहे हैं हमारे साथ, पहले बना करते हैं और ये और वो है। तो अब आप बहाने लगा रहे, बहाना नहीं लगा रहे भाई, मैंने आपसे पैसों की बात की, आप इतने पैसे दे रहे हैं और अब कर, मैं तो कर दूं, मैं तैयार हूँ। अदनान कह रहे हैं मेरी मंगेतर नहीं मान रही, कह रही ये क्या बहाना है यार, मंगेतर नहीं मान रही, पंगनी भी नहीं हुई हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ। तो उसके बाद दूसरे दिन हमने दूसरे दिन हमने किया ये कि हमने अपना सामान उठाया और हम सुबह सुबह होटल से निकल गए। सुबह 8 बजे निकल के इस्लामाबाद चले गए, जिन दोस्त का जिक्र कर रहे थे वो उधर गए। हम गए पता नहीं कैसे बाय रोड गए थे, चल बाय रोड हम गए, बस बस पकड़ के हम पहुंच गए वहां। और वहां जाके फिर हमने उसको बताया तो कहने लगा कोई, अब हमने फोन वोन पे तो कोई कॉन्टेक्ट था ही नहीं, वो ट्रेस करते रहे, घर पे फोन करें कुछ करें। उसके बाद वो लोग फिर कराची आ गए थे बाद में, उन्होंने बड़ा हमें जो है ना मुश्किल हो गया था उनसे वो जान छुड़ाना, फिर बड़ी खैर मुश्किल हो गया था। आया प्यार तो यार आप मना कैसे कर सकते हैं यार, हाँ ये तो कोई बात नहीं हुई, आपने हमारे इतने पैसे जाया कर रहे यार, रिजेक्ट तो कैसे कर लेते हैं ये इंस्टा वालों ने। यार मैंने नहीं इंस्टा इजाद किया, तो 3 लोग कैसे आते मुझे बता दीजिए, मैं ऐड कर लेता हूँ फैसल कुरैशी को भी। अदनान भाई प्लीज एक बार हेलो बोल दे, पिज़्ज़ा फ्रॉम जर्मनी, पिज़्ज़ा जर्मनी से हूँ, करिए अदनान भाई हेलो बोल दे। हाय हेलो, तो मैं इजाज का मैं थोड़ा सा ना हमेशा से एक लव वाइली सा आदमी रहा हूँ, केयर फ्री किस्म का। तो एजाज बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, तो एक फैशन शो के लिए हम लाहौर गए। अच्छा मेरे लिए एक बड़ी बात थी कि उस जमाने में ऐसे नहीं होते थे, कराची लाहौर इस्लामाबाद दुबई अमेरिका फैशन शोज नहीं होते थे, मॉडल्स होते हम लोग का किसी काम के नहीं थे। तो लाहौर जा रहे थे तो मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ यार, लाहौर में फैशन शो, मैं एज यूजुअल लेट हो गया, मेरे पास वही CD70 थी होती थी, उसमें तो मैं नहीं जा सकता था। तो वो मैंने पार्क की टैक्सी या नहीं, मैं किसी एयरपोर्ट रशिया में गया था, उधर पहुंच गया, लेट हो गया। इजाज साहब अब जैसे हम लोग लाहौर पहुंचे तो इजाज ने अपनी चीजें निकालना शुरू, ये इतनी शर्टें, इतनी ट्राउजर्स और क्या कहते हैं टूथब्रश टूथपेस्ट हर चीज, देख रहा हूँ यार ये तो बड़ा ऑर्गेनाइज आदमी है। मेरे पास जब एक पैर ऑफ जीन्स पहन के गया तो एक सफेद टी शर्ट बस वही था, और जो जूते मोजे वही। तो सुबह जब हुई अब वो देखने लड़कपन का दौर,
मेरे पास तो टूथ ब्रश भी नहीं था, मैंने कहा एक टूथ ब्रश पड़ा हुआ, मैंने सिर्फ दांत मांज लिए, मैंने ब्रश कर लिया। उसके बाद इजाजत है, कहते हैं यार तुमने ये मेरा टूथ ब्रश गीला क्यों है? मैंने कहा वो मेरे दांत मांजे है, आई ब्रश माई टीथ। कहते हैं यार तुम किसी का टूथ ब्रश कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? मैंने कहा अभी तो मैंने तुम्हारे कपड़े भी पहनने हैं यार, मेरे पास तो कोई चीजें नहीं है। तो बहुत अच्छा, ही अभी हुमायूं के साथ भी तुमने यही किया था अभी जब तुम लोग क्वारंटीन में थे, क्या उसी के चीजें इस्तेमाल कर रहे? मैं तो सारी हुमायूं की चीजें इस्तेमाल कर रहा था, मेरे पास तो आई स्वेयर अपॉन गॉड। तो तुम यूएस चीजें नहीं लेके गए थे? यार मैं इतने ना कपड़े नहीं ज्यादा लेके जाता, मैं बड़ा लाइट ट्रेवल करता हूँ भाई। तो वहाँ क्या करते हो? गंदे कपड़े पहनते हो भाई, पैर जीन्स और क्या? हाँ तो शर्टें होनी तो चाहिए। तो मैं क्या शर्टें पहन के कमरे में बैठूंगा यार, पागल तो नहीं हो गए? नहीं, जब यूएस गए हुए थे तो शर्टें साथ नहीं लेके गए थे? तो मैं क्या वो जाके पहनता कमरे में क्वारंटाइन में? तो भाई कपड़े तो चाहिए होते हैं ना यार, रोज इंसान को नहा के पहनने के। हाँ तो भाई यार पहन देते थे यार, उधर नीचे लॉन्ड्री है, उधर कपड़े दो धोने को और पहन लो। मगर माशाल्लाह भाई ढाई बैग था उनके पास, और वो भाइयों के पास भाइयों के पास ढाई बैग। यूएस से शॉपिंग भी की होगी ना उसने? नहीं आई गेस इतना टाइम नहीं था यार, हम लोग को टाइम नहीं मिला शॉपिंग का। तो फिर इतने कपड़े क्यों ले गया था भाई? कुछ तो ले लिया होगा शॉप। तुम तो शॉपिंग तो बहुत कम करते हो, एक ही ट्रिप में करते हो शॉपिंग, फिर बाकी ट्रिप बस। मैं नहीं है, मैं ऐसे नहीं करता भाई, मुझे बस मैं फालतू की चीजें बहुत उठाता हूँ। जैसे मैं मुझे ज्यादा जो है ना खाने की चीजें उठाता हूँ। मेरा अभी इस वक्त जो है फ्रीजर हमारे एजाज भाई, हकीम भी तो है। नहीं हकीम वाली नहीं मैं। अच्छा एक रोजा